तो फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन पे भी बहुत टैनिंग आ गई है, स्किन सांवला हो रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है और आप स्क्रब करने से उतना अच्छा ग्लो नहीं आ रहा है, तो मैं आज आप लोग के लिए एक मैजिकल स्क्रब लेके आई हूँ जो आप अपने फेस पे ही नहीं बल्कि स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये है अरोमा फ्रूट का फेशियल स्क्रब। स्क्रब के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कैसे आपके सनटेंस को रिमूव करता है, ब्लैक हेड्स को, लेकिन आप अगर स्क्रब में कोई भी स्क्रब ले सकते हो। मैंने ये अरोमा के लिए, अरोमा का बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो मैं इसको इतना ले रही हूँ कि मैं अपने फुल बॉडी पे अप्लाई करूँगी। अभी मैं नहाने जा रही थी तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए मैंने कितना लिया है, इतना सारा स्क्रब ले लिया है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारे स्किन में से जितनी भी डर्ट और गंदगी होती है सबको अच्छे से खींच के बाहर निकालता है, तो ग्लिसरीन के साथ साथ आपको इसमें थोड़ा सा ऐड करना है शहद। तो ये मैंने पतंजलि का हनी लिया है यहाँ पे, एक सेकंड जरा। तो ये पतंजलि का शहद लिया है मैंने, अभी मैंने इसको नया ही मंगाया था। शहद बहुत ज़्यादा अच्छा होता है खाने में भी एंड आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये आपकी स्किन के स्किन को टाइट एंड ब्राइट करता है एंड आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं उनको रिमूव करता है। ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। तो ये हमने शहद 2 चम्मच के करीब डाल लिया है और इसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हल्दी। हल्दी आपके स्किन के टैनिंग को एंड आपका जो पिगमेंट है पिगमेंट को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच के करीब हल्दी लिया है। इसमें इतना सा आपको नमक ऐड करना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और पूरी बॉडी पे अप्लाई कर लेना है, फेस के साथ साथ पूरी बॉडी पे, और इसका अमेजिंग रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। कोई भी स्क्रब में आप ये सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हो। ये देखिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिनके भी बहुत ज़्यादा टैनिंग है या फिर डार्क स्पॉट है। बहुत जल्दी इससे डार्क स्पॉट रिमूव हो जाता है। लगाने के लिए आप इस तरीके से पहले पूरे फेस पे, बॉडी पे, हाथों पे, पैरों पे, सब जगह लगा के 2 से 3 मिनट तक छोड़ दीजिएगा ताकि जो जो चीज़ें हमने इसमें मिलाई हैं वो सारी हमारे स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद इसको स्क्रब करना है कम से कम 5 मिनट तक। तो आप इसको नहाने जाइएगा तभी बनाइएगा। इस तरीके से मैंने लगा लिया है पूरा। इसको आप आंखों के आसपास भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाथों पे भी लगाना है। तो पूरे हाथों पे, फेस पे इस तरीके से अप्लाई कर लेना है और उसको 5 मिनट छोड़ने के बाद से जैसे हम लोग स्क्रब करते हैं वैसे ही स्क्रब करना है। तो ये पूरा हमने इस तरीके से लगा लिया है। पूरे हाथ पैर पे आप, और हाँ, अंडर आर्म्स का जो ब्लैकनेस होता है उसके लिए भी बेस्ट है ये। तो अंडर आर्म अगर आपकी काली हो रही है, कोहनी काली हो रही है, गर्दन काला हो रहा है तो आप उस पर ये अप्लाई कर सकते हो। डार्क स्पॉट है तो डार्क स्पॉट्स के लिए भी बेस्ट रहेगा। अब इसको बिल्कुल हल्के हाथों से, जैसे कि मैंने बताया है कि स्क्रब करते टाइम हाथ बिल्कुल हल्के चलाने चाहिए, तो इसमें हमने स्क्रब मिलाया हुआ है। तो इस तरीके से मसाज करेंगे। कम से कम 10 मिनट तक इसमें आपको कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है। फेस पे आप 10 मिनट तक अप्लाई मसाज कर लेना, बाकी बॉडी पे आप 5 मिनट तक मसाज करके इसको रिमूव कर देना। पूरे हाथों पे, पैरों पे, सब जगह अच्छे से अप्लाई कर लेना है।
आप 5 मिनट तक इसी तरह स्किन पे छोड़ने के बाद पूरा अच्छे से स्क्रब कीजिएगा, और फिर मैं मिलती हूँ नहाने के बाद इसका फाइनल रिजल्ट लेके कि कैसा है क्या है सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नहाने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ, काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है, और जैसा इसका टेक्चर है जैसे क्रीम वगैरह ब्लीच कराने के बाद आपको थोड़ा सा कूलनेस फील होता है, पसीने आते हैं, वैसे इससे भी आ रहा है, लेकिन ग्लो काफ़ी अच्छा आएगा और सारी टैनिंग एक बार में ही आपकी रिमूव हो जाएगी। तब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कैसे कैसे बनाना है सारी चीज़ें तो मैंने बता ही दी, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की और भी हेल्पफुल वीडियोज़ जानने के लिए, जिसमें आपका बजट भी बहुत कम लगे और रिजल्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा आए। तो वीडियो काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसको कैसे अप्लाई करना है, मैंने इसको पूरा अप्लाई करने के बाद 10 मिनट छोड़ा था, फिर पूरी बॉडी पे अप्लाई किया, फिर उसको मसाज किया जैसे स्क्रब मसाज करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पूरी बॉडी पे मसाज कर देना है, और जब तक आप पूरी बॉडी पे मसाज करोगे तब तक ये फेस पे अपना वर्क अच्छे से कर लेगा। उसके बाद अब नॉर्मल पानी से वॉश करना है इसको, वो बॉडी वॉश या फिर साबुन कुछ भी नहीं लगाना है, इस तरीके से अप्लाई करना है। हफ्ते में आप इसको 3 बार यूज कर सकते हो, डेली भी यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 3 बार यूज करना क्योंकि स्क्रब है, तो स्क्रब आप डेली यूज करोगे, अगर आपको करने का तरीका नहीं पता है तो हो सकता है कि आपकी स्किन छिल जाए, तो आप 3 बार यूज कीजिए, काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं नहा के आ गई हूँ और इसका जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अमेजिंग है। आप इसको 2 से 3 बार हफ्ते में यूज करोगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपकी स्किन पे जितनी भी टैनिंग है, डार्कनेस है, डार्क स्पॉट्स है, डर्ट है, धूल है, मिट्टी है, सारी चीज़ें ये एक बार में रिमूव करता है। साथ के साथ अगर आप इसको डेली यूज करते हो तो आपका जो एजिंग है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। जैसे हम लोग अपने फेस का तो केयर कर लेते हैं बट हाथ पैरों का केयर नहीं करते। सबसे पहले हमारे हाथों का जो स्किन होता है वो लूज पड़ने लगता है, जिससे हमारी एजिंग पता चलती है। स्किन का तो हम लोग केयर करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो एजिंग है वो स्किन से नहीं पता चलता, लेकिन हाथ पैर देखने पता चल जाता है। तो आप देख रहे हो कि मेरे हाथ मेरे फेस से ज़्यादा खूबसूरत है, तो आप हाथ पैरों का भी केयर कीजिए। और ये जो बॉडी स्क्रब मैंने बताया फुल बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। इसको आप कोई भी स्किन टाइप है इसको यूज कर सकते हैं, हफ्ते में आप 3 बार यूज कीजिए, इसको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पूरी बॉडी पे अप्लाई करके 5 मिनट के लिए छोड़ना है, उसके बाद आप जैसे स्क्रब यूज करते हो वैसे ही इसको भी यूज करना है, एंड थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पूरी बॉडी पे मसाज करना है। जब इसको अच्छे से मसाज कर लोगे तो आपको इसको मसाज करने के बाद से आपको इसके बाद से जैसे आप पूरी बॉडी पे मसाज करोगे तो आपकी स्किन पे इसको ज़्यादा देर तक रहने का टाइम मिल जाएगा, जिससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और पूरी बॉडी पे मसाज करने के बाद आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम इसमें बॉडी वॉश या कोई साबुन तो यूज़ नहीं करना है, तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपका बॉडी पे जो भी मैल था डर्ट था वो पूरा 100% इससे क्लीन हो जाएगा और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप नॉर्मल पानी से नहा लीजिएगा इसको लगाने के बाद से। तो ऐसी ही टिप्स जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस की डिमांड अक्सर सभी को होती है। तो मैं इसी तरीके की वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आते रहती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आते हैं, इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोज। इससे पहले मैंने स्क्रब एंड क्लीनअप कैसे करना चाहिए, क्लीनअप से आप फेसियल से भी ज़्यादा ग्लो कैसे ला सकते हो, सारी वीडियो डिटेल में अपलोड हो गई है, तो जाके चेक कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सेकंड चैनल पे सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज मिल जाएंगे, इंस्टा आईडी PreetiY24 है, तो वहाँ पे भी मुझे जाके फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय।